हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो यहाँ पर ये शोल्डर से लेना है सेंटर का निशान, ये 10 इंच पर, जो रेडी होकर 9.5 हो जाएगा। और आगे की तरफ से ये लेना है 4.25 इंच। ये सीने के साइज़ के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पर 42 इंच है इसके सीने का साइज़, और सेंटर वाले निशान से ये कमर पर लिया है 3.25 इंच, यानी 1 इंच कम। और ये जो आर्म होल वाला कोना होता है, इसमें 1/2 इंच साइड में निशान लगाकर इस तरीके से प्रिंसेस की शेप देनी है। और इसके बाद में ये कमर पे जो लाइन है उसे 2 इंच पीछे की तरफ ये निशान लगाकर इस तरीके से ये प्रिंसेस की शेप देनी है। तो इस तरीके से ये शेप देने के बाद में, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देना है। शोल्डर से रखा है 10 इंच, आगे से रखा है 4.25 इंच, और ये कमर पर रखा है 3.25 इंच, और इससे ये 2 इंच रखा है, और यहाँ रखा है 1/2 इंच। तो इसको 1/2 इंच वाले से मिला दिया और यहाँ सेंटर तक। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग करने के बाद में अब कर देनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से अब इसकी कटिंग हो गई है, ये अस्तर पे कटिंग कर ली है इसकी। अब इसको रखना है कपड़े पर, कपड़े में वर्क है तो उसी हिसाब से देखना है। तो ऐसे रखने के बाद में कपड़े को एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लेनी है। अस्तर में जोड़ने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया जाता है, तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ अस्तर और कपड़े को जॉइंट करना है, जिसके लिए बीच में एक सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और अब साइड में भी इसको टाका मोटा करके अच्छे से सेट कर लेना है। और इसी तरीके से हमें दोनों दूसरे पार्टों को भी सेट कर लेना है। ये गले में एक सिलाई लगाई है और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया है। गले को पहले ही मेजर कर लिया है। इन दोनों पार्ट्स को भी हम इस तरीके से अस्तर पे सेट कर लेंगे। और अब लगानी है इसमें पाइपिंग। तो यहाँ पर पाइपिंग को बनाकर भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने रेडीमेड कॉटन की पाइपिंग ली है, तो इस तरीके से लगाना है पाइपिंग को। अब इसको पलट के रखा है, और जो साइड वाले ये पार्ट होते हैं इनको पाइपिंग के नीचे रखा है। और जो ये पाइपिंग वाली सिलाई है बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है, जिससे कि ये भी ध्यान रखना है कि पाइपिंग ना सिल जाए। और ऐसे ही सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से ये पाइपिंग इसमें सेट हो गई है। और एक सिलाई इसके ऊपर से भी लगा देनी है, जिससे ये अच्छे से दब जाएगा और ऊपर के पाइपिंग भी अच्छे से दिखेगी। इस तरीके से कितना अच्छा लुक आया है और पफी अच्छा बना है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड को भी तैयार कर लेना है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।